अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग है हमारा यूनिवर्सिटी का, और ये भाई हमारे हॉस्टल में रहते हैं तो आपको हॉस्टल का विज़िट कराते हैं। लेकिन उससे पहले हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये भाई हमारे हॉस्टल में रहते, हम हॉस्टल में नहीं रहते, तो भाई से पूछते हैं कि इधर हॉस्टल कैसे मिलता है, क्या क्राइटेरिया होता है और क्या फ़ायदे होते हैं वैसे इधर हॉस्टल के, तो भाई बता दे। अच्छा, मैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी के कई सारे हॉस्टल्स हैं पूरे सिटी में, तो मैं जिस हॉस्टल में रहता हूँ उसका नाम है रेजिडेंस कोलंबो। कोलंबो कोलंबो बिल्कुल, कोलंबो तो श्रीलंका कैपिटल नहीं, लेकिन नाम उन्होंने रखा अच्छा, हुआ है रेजिडेंस कोलंबो। अच्छा, जो यहाँ पर हॉस्टल मिलती है उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं आपने पूछा, तो सबसे पहले जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट जो नए नए आते हैं तो उनको तो उनके जो ग्रेड्स वगैरह आएंगे उसकी बेसिस पर मिलता है, तो वो लिमिटेड सीट्स होती है। ये फर्स्ट ईयर वालों फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर जो फ्रेश होते हैं जो ग्रेड्स होते हैं ना, बिल्कुल, क्योंकि सेकंड ईयर वालों का क्राइटेरिया ये कि फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में आपने कितने क्रेडिट आवर्स किए तो इसके बेस पे मिलता है। जो सेकंड ईयर स्टूडेंट्स होते हैं उनके जो क्रेडिट्स निकले हुए होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं, और जो कभी कभी एवरेज को भी वो थोड़ा सा काउंट करते हैं उसकी बेसिस पर हॉस्टल मिलता है। बाकी इसके हॉस्टल के फ़ायदे क्या हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो आपको जो है वो बिल्स वगैरह नहीं देने पड़ते हैं रहने के, जस्ट रेंट होता है, जो कि अगर आपके पास रीजनल स्कॉलरशिप है उसमें से वो डिडक्ट कर लेते हैं, बाकी रेंट भी बड़ा कम होता है, रेंट भी बिल्कुल। अभी चलते हैं हम, ये तो जो कुछ फ़ायदे थे वो बताए, बाकी आपको चलते हैं हॉस्टल दिखाते हैं कैसी होती हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, तो आए आपको दिखाते हैं। खान साहब, आज बाहर गए हुए थे क्या? यार थोड़ी सी शॉपिंग की है। क्या लिया है? व्यूअर्स को बताओ ना यार, तुम छुपा क्यों रहे हो, लिया क्या है ये बताओ। हमने यार शूज़ लिए। कौन सी कंपनी के? कंपनी का नाम तो नहीं पता, लेकिन दिखाते हैं। ये शूज़ लिए तकरीबन 70 यूरो के, तो खर्चा मर्चा हो गया। चाहिए अपनी अपनी जात पे खर्चा करना चाहिए। हाँ, यार कल इलेक्शन है तो उसके हवाले से लोगों को क्या कहोगे? यार वोट डालने जरूर जाना है आपने। वोट डालना है जरूर, बिल्कुल। क्या राय है आपकी? इंशाल्लाह पाकिस्तानी आवाम इस बार जो हुक्मरान चुनेगी वो हमारे मुल्क के लिए साबित अच्छे भाई कल बहुत इम्पोर्टेंट दिन है पाकिस्तान का, तो वोट डालने ज़रूर जाए, वोट दो पाकिस्तान को, वोट दो पाकिस्तान की तरक्की के लिए वोट दो, और हमें इंतज़ार रहेगा कि किसकी हुकूमत बनेगी इंशाल्लाह। वोट फॉर पाकिस्तान, वोट दें पाकिस्तान, वोट फॉर पाकिस्तान, वोट फॉर पाकिस्तान।
वोट फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। अब हम हॉस्टल पहुंच गए, ये हॉस्टल का गेट है, वो देखो लोग वॉलीबॉल खेल रहे हैं। अच्छा हम भी खेलते हैं, हम अंदर टेबल टेनिस भी पढ़ा है और वो पट्टी को क्या बोलते हैं, सॉकर, सॉकर तो वो भी पढ़ा है, तो वो जाके हम अंदर खेलेंगे। ये देखें सरकारी साइकिलें, ये सरकारी, ये आप अपने बोर्ड स्कैन करोगे ये अनलॉक हो जाएगी और फिर इसको चलाते रहोगे। इसमें इलेक्ट्रिक कभी नहीं कड़ी है, सादी साइकिल है सारी। हॉस्टल में एंटर हो गए और रिसेप्शन पे भी हम बैठ देंगे। चलो कार्ड जमा हो गए, अभी हम अंदर जाएंगे, इसको खोलो। ये हॉस्टल के अंदर हम एंटर हो गए, हॉस्टल आते हैं आप। शोर नहीं करना, आराम आराम से आ जाओ, लोग पढ़ रहे। हॉस्टल के अंदर हम एंटर हो चुके हैं, मुझे अपनी हॉस्टल की याद आ गई, अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी के हॉस्टल। यहाँ के कमरे भी हम आपको दिखाते हैं, लेकिन जो फीलिंग हॉस्टल वाली थी ना अब्दुल वली खान वाली, वो नहीं है यहाँ पे। ये लो जी, अभी बिल्कुल लास्ट वाला कमरा मिला है हमारे दोस्त को, अभी हम दिखाते हैं कि क्या क्या होता है कमरे के अंदर। ये दूसरे दोस्त का कमरा है जो इसके साथ रहता है। ये लो, जी ये आ गया कमरा। लड़के कमरा पसंद आ गया, बहुत अच्छा है। ये कमरा है, अलमारी, टेबल और ये किचन। किचन कैसे खुलता है, ये लो जी किचन। तो ये दो बंदे शेयर करते हैं, ये एक किचन और एक ही वॉशरूम और दो कमरे। ये दूसरे भाई का कमरा है, फिर वो इधर से आते हैं, ये हमारा दोस्त यहाँ से बाहर आता है, और ये हॉस्टल के बाहर व्यू, रूम के बाहर व्यू भी देख सकते हैं। ये मेरे भाई का सामान वामान पड़ा है और यही रूम होता है बेस्ट रूम। हाँ तो ये भी कैसे खोलता है, हाँ ये डिजिटल होता है, ये देखो ऊपर खुद जा रहा है। ये देख जो बाहर व्यू देख कमरे से, ये शेल्फ पड़ा है और पूरा सेटअप बना हुआ है। ये कमरा आप देख सकते हैं, बड़ा वीआईपी कमरा है, लेकिन वो फीलिंग नहीं है जो पाकिस्तान के हॉस्टल में होते हैं। ये बंदा अकेला इधर रहता है, मैं तो कभी कभी सोचता हूँ मर गया है।
अभी हम नीचे जा रहे हैं टेबल टेनिस खेलने और चल चल भाई चल, कौन स्कोर करेगा? ये रेड वाले किसके हैं? रेड मेरे, रेड तेरे हैं। चलो चलो सही, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। नहीं हो रहा नहीं हो रहा नहीं हो रहा नहीं हो रहा, ये दोनों पे खेलने पड़ेगा। अरे हम आप खुद डिसाइड करें कौन सही खेल रहा है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सपोर्ट करें।